हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल चुका है कैसे घर पे बैठ के आप लोग एक्वेरियम बना सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हो, क्योंकि बहुत जन दुकान पे जाके एक्वेरियम बाई करते हैं, बट आप लोग घर पे बैठ के इजीली किस तरीके से एक्वेरियम बना सकते हो और बहुत ही सस्ते प्राइस पे, वो आज इस वीडियो पे आप लोग को डिटेल में खोल के बताऊंगा। हालांकि ऐसा टॉपिक का यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा, बट आज इस वीडियो पे टॉप 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो मैं आप लोग को गारंटी लेके बोल रहा हूँ आप लोग का जो एक्वेरियम है उसका लीकेज होने का चांसेस लगभग एकदम ना के बराबर हो जाएगा। मिनिमम आप लोग मान के चलो 10 से 15 साल, मैक्सिमम 20 से 25 ईयर्स तक आप लोग के एक्वेरियम को लीकेज होने का चांसेस नहीं रहेगा। एक गलती आप लोग कर देते हो क्योंकि टैंक का बनाने के टाइम पे जो ग्लास का मेजरमेंट होता है या फिर ग्लास का थिकनेस होता है, कौन सा सिलिकॉन यूज़ करना पड़ता है, किस तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि अभी के टाइम पे जीरो सिलिकॉन का बहुत सारा ट्रेंड आ रहा है। भाई जीरो सिलिकॉन का एक्वेरियम चाहिए, भाई जीरो सिलिकॉन का एक्वेरियम बनाना क्यों नहीं चाहिए आज इस वीडियो पे डिटेल में बताऊंगा। और एक साथ 6 एक्वेरियम बनाऊंगा, भाई एक दो एक्वेरियम नहीं, 6 एक्वेरियम मेरे खुद के घर के लिए मैं बना रहा हूं। अगर आप लोग बाई करना चाहते हो मेरे पास से, वो भी अगर आप लोग कलकत्ता से बिलोंग करते हो तो भी मुझसे बाई कर सकते हो, वो भी मैं आगे चल के वीडियो पे बताऊंगा। बट आज मेरे लिए मैं खुद बना रहा हूं 6 एक्वेरियम, और जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा टॉप 5 पॉइंट्स, वो ध्यान रखने वाला चीज है ग्लास का थिकनेस को लेके स्टार्ट करके कौन सा सिलिकॉन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीरो सिलिकॉन क्यों नहीं यूज करना चाहिए। आज इस वीडियो पे डिटेल्स में आप लोग को खोल के बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहो और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। क्यों बोल रहा हूं आगे चल के आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि जीरो सिलिकॉन फिनिश का जो थिकनेस वाला चीज होता है ना, जो जीरो सिलिकॉन आप लोग करते हो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है लीकेज का। मे भी जहां से बना रहे हो आप लोग को बोल देता है, हम लोग गारंटी लेता है लीकेज होगा, फ्री में रिपेयरिंग कर देंगे, बहुत सारा चीज बोलता है, बट आप लोग को हेडेक होता है। लीकेज अगर होगा तो आप लोग का फिश मरेगा और आप लोग को ही हेडेक फेस करना पड़ेगा। मे भी फ्री रिपेयर आप लोग को मिल जाता है तो वहां पर हेडेक बहुत ज्यादा होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हो, फ्लावर ऑन लवर हो, पेट लवर हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, और वीडियो पे कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग को ऑलवेज मैं बताता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हो, वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे बात करते हो, कॉन्टैक्ट करते हो, बट लाइक में कंजूसी कर देते हो भाई। तो भाई आज का वीडियो का लाइक का टारगेट 150 रख रहा हूँ, आई थिंक आप लोग टारगेट फुलफिल कर दोगे। लास्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अभी तक नहीं देखे हो तो चेकआउट कर लो, फ्लावर ऑन का नया स्टॉक का वीडियो आ चुका है, ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख लेना। बट वहां पर आप लोग 100 का लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दिए थे, आज भी 150 लाइक का टारगेट आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर दोगे। आप लोग के लिए वीडियो लेके आ चुका हूं, क्योंकि कम्युनिटी टैब पे मैं कल पोल रखा था कि भाई कल मतलब वीडियो कब चाहिए, तो आप लोग कल बोले थे तो आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। थोड़ा बहुत लेट आई थिंक अपलोड होगा, थोड़ा डेली हो जाएगा एडिटिंग के लिए, तो यहां पर वीडियो को एकदम ध्यान से पॉइंट वाइज जो जो मैं बोल रहा हूं चीज एकदम करेक्टली ऑब्जर्व करो तो आप लोग का ही फायदा है। मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आप लोग को पता चल जाएगा। तो एकदम फर्स्ट पॉइंट जो आप लोग ध्यान रखने वाला चीज है, ग्लास जब खरीदोगे एक्वेरियम का, जो ग्लास खरीदोगे, सो भाई यहां पर सबसे पहले जो ग्लास खरीदोगे, ग्लास का थिकनेस मैटर करता है। मिनिमम आप लोग को 6 mm ग्लास ऑलवेज यूज करना चाहिए। अभी जितना बड़ा टैंक होगा उतना ग्लास का थिकनेस बढ़ेगा, उसके लिए एक चार्ट अगर आप लोग चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। बट आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, अभी जो मैं ग्लास लिया हूँ ये 6 mm का है, ये मैं क्यूब एक्वेरियम बना रहा हूँ, एक स्क्वायर टाइप का क्यूब बना रहा हूँ। हालांकि आप लोग नॉर्मली एक्वेरियम देखोगे भाई आप लोग को रेक्टेंगल टाइप का दिखता है, बट मेरा थोड़ा डिजायर जो रिक्वायरमेंट था थोड़ा क्यूब बनाने का था तो मैं क्यूब बना रहा हूं। तो इसका 15 inches by 15 inches मतलब 1.5 feet by 1.5 feet का टैंक का मैं बना रहा हूं, बट ये फुल्ली क्यूब होगा, हाइट 1 feet का रहेगा। बट यहां पर जो चीज मैं ग्लास यूज कर रहा हूं, बेसिकली नॉर्मल दुकान पे अगर खरीदने जाओगे तो आप लोग का जो ग्लास वहां पर मिलता है वो 4 mm का मिलता है, या फिर वो ही देता है 4 mm 5 mm मैक्सिमम, बहुत कम लोग देता है 4 mm तक ही दे देता है। बट आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा ऑलवेज 6 mm से ही स्टार्ट करो, जितना भी छोटा टैंक हो आप लोग 6 mm यूज करोगे तो ग्लास का लीकेज होने का चांसेस, ब्रेक होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। उसके बाद आप लोग को कौन कौन सा चीज का जरूरत पड़ेगा एक एक्वेरियम बनाने के लिए, परफेक्टली मेजर करके एकदम ग्लास के दुकान से जाके कट के लेके आया हूं। आप लोग भी दुकान पे जाके बोलना, आप लोग को कट करके वो लोग दे देगा पॉलिश करके, मैं पॉलिश भी कर लिया हूं।
तो यहाँ पर आप लोग को रिकमेंड पड़ेगा जो भी यहाँ पर डाउसिल का मैं सिलिकन लिया हूँ उसके साथ साथ एक सिलिकन गन का ज़रूरत है, थोड़ा टेप का ज़रूरत है, एक नाइफ का ज़रूरत है और मेजरिंग टेप का, बस और किसी चीज़ का ज़रूरत यहाँ पर आप लोग को नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं टैंक को बनाऊंगा, आप लोग को कोई हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है। बहुत कोई बोलता है बहुत टफ चीज़ होता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। आप लोग को जिस तरीके से मैं इस वीडियो पर दिखाऊंगा आप लोग जस्ट उसको फॉलो करो। आप लोग को मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ जो एक्वेरियम आप लोग खुद घर के बनाओगे आप लोग को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो सेटिस्फेक्शन आप लोग दुकान से खरीद के लेके आओगे तो भाई हेडेक फ्री तो होता है बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ जो ग्लास का थिकनेस मैं यूज़ कर रहा हूँ 6 mm 1.5 फीट के टैंक पर, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ कोई 6 mm दुकानदार नहीं देता है अगर आप लोग ऑर्डर नहीं करोगे तो। रेडीमेड जो टैंक आप लोग खरीदते हो बहुत सस्ते प्राइस पर आप लोग को मिल जाता है। सस्ता क्यों होता है? फर्स्ट थिंग ग्लास का थिकनेस कम देता है, सेकंड थिंग जो सिलिकन होता है वो 100% सिलिकन नहीं होता है। यहाँ पर जो मैं सिलिकन यूज़ कर रहा हूँ ड्राउसिल का जो बेस्ट सिलिकन होता है एक्वेरियम के लिए, अभी तक इंडिया पे जो अवेलेबल है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिलिकन होता है एक्वेरियम के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये फिश के लिए 100% सेफ होता है। बहुत सारा सिलिकन वाटरप्रूफ होता है बट वो फिश के लिए सेफ नहीं होता है, दुकानदार कम प्राइस में देने के लिए वो सब कुछ यूज़ कर देता है, बाद में आप लोग का टैंक लीकेज अगर नहीं होता है फिश भी मर जाता है, तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं टैंक बनाने के साथ साथ आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, हालांकि आप लोग को यूट्यूब पे टैंक बनाने का बहुत सारा वीडियो मिल जाए बट जो टॉप 5 पॉइंट्स आज इस वीडियो पे मैं बताऊंगा वो आप लोग को कहीं पर नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट मैं ऑलरेडी ग्लास का थिकनेस के बारे में बता दिया हूँ, सेकंड सिलिकन, ये जो प्रोसेस मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ सिलिकन देने का, इस प्रोसेस पे ही देना है, जितना हद तक पॉसिबल हो सकता है सिलिकन को आप लोग को थिक देना है। वो जो जीरो सिलिकन का चक्कर है ना भाई उसमें मत जाओ। जीरो सिलिकन के टैंक मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ सबसे जल्दी लीकेज होता है। आप लोग कहीं से भी जीरो सिलिकन टैंक ले सकते हो, मैं भी खुद बना के दे सकता हूँ बट उसमें जो लीकेज होने का चांसेस होता है ज़्यादा, क्योंकि सिलिकन का जो ग्रिप होता है ग्लास के साथ सिलिकन का जो ग्रिप होता है वो वहां पर कम हो जाता है, जो इंटेंसिटी बनता है। आप लोग को नॉर्मल सा एक लॉजिक बता रहा हूं, दोनों ग्लास एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा है सिलिकन के ऊपर बेस करके, अगर वहां पर आप लोग सिलिकन ही कम दोगे जीरो सिलिकन के लिए आप लोग को लुक्स अच्छा चाहिए। देखो भाई आप लोग लुक्स के पीछे जाओगे तो वो आप लोग को प्रॉब्लम बाद में होगा, क्योंकि ओल्ड टैंक का लीकेज होने का चांसेस लगभग 2-3 साल पे ही आ जाएगा, और बहुत केसेस पे ऐसा देखा हूं भाई टैंक लीक्स टेस्ट पास भी नहीं किया। आज इस वीडियो पे मैं 6 टैंक ऑलरेडी मैं 2 टैंक बना चुका हूँ मेरे टेस्ट के लिए, मैं वो टैंक भी लीक टेस्ट मेरा फर्स्ट टाइम पास कर चुका था। अभी मैं 4 टैंक यहाँ पर लाइव बनाऊंगा, उसके बाद उसका लाइव मैं आप लोग को लीक टेस्ट भी दिखाऊंगा, फर्स्ट टाइम पे ही लीक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिलिकन पे कंजूसी नहीं करता हूँ। जो लोग एक्वेरियम के दुकान पे जाके सस्ता टैंक खरीद रहे हो, फिर से वार्निंग कर रहा हूँ, यहाँ पर से सिलिकन का जो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ सिलिकन जीरो अगर आप लोग लोगे तो भाई आप लोग का टैंक लीकेज होगा। सेकेंड, अगर आप लोग सिलिकन जो भी देख रहे हो कि भाई लो क्वालिटी सिलिकन यूज हो रहा है, टैंक आप लोग को कम प्राइस पे दे रहा है, तो वहां पर भी लीकेज आप लोग को आएगा, ये चीज आप लोग को ध्यान देने वाला चीज है। मैं यहां पर टैंक बनाने के साथ साथ फिर से बोल रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए भाई, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कहीं पर नहीं मिलेगा। ग्लास का थिकनेस ऑलरेडी बता दिया हूँ, 6 mm से ज़्यादा ऑलवेज लेना चाहिए, छोटा टैंक के लिए 6 mm परफेक्ट है, जब जितना बड़ा 3 फीट का टैंक 8 mm, 4 फीट का टैंक 10 mm, 12 mm, जितना बड़ा टैंक होगा ग्लास थिकनेस उतना होगा। बट अगर आप लोग एक चार्ट बनाना चाहते हो, यहाँ पर देखो ऑलरेडी और टैंक बना हुआ है, तो अगर आप लोग चार्ट चाहते हो कौन सा थिकनेस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बस इस वीडियो पे जो मेरा मेन मोटिव है 5 पॉइंट आप लोग को ध्यान देना है टैंक बनाने के टाइम पे, जिस चीज़ के लिए आप लोग का टैंक एकदम परफेक्ट बनेगा, लीकेज फ्री बनेगा और बहुत साल तक रहेगा, लीकेज नहीं होगा भाई। 2 पॉइंट आप लोग को बता दिया हूँ, ग्लास का थिकनेस और सिलिकॉन का क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप लोग को मैं बोलूँगा जो एक्वेरियम बनाने के टाइम पे जो चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड जो पॉइंट है, आप लोग जब एक्वेरियम बना रहे हो जो ग्लास का प्लेसमेंट हो रहा है एक आदमी नहीं कर सकता है, साथ में 1-2 और पर्सन रख दो, आप लोग का दोस्त लोग रख दो, घर पे कोई है तो उसको बोलो पकड़ने के लिए। जितना अच्छे तरीके से आप लोग ग्लास को पकड़ोगे और सिलिकन जो लगा रहे हो एकदम बबल फ्री होना चाहिए, बीच में कोई बबल्स नहीं रहना चाहिए, अगर सिलिकन के बीच में बबल्स रहेगा तो भाई फ्यूचर पे उसमें पे भी लीकेज आएगा, तो आप लोग को ये ध्यान देना है सिलिकन पे कुछ भी बबल नहीं होना चाहिए। और बहुत सारा दुकानदार ऐसा करता है सिलिकन पे बबल रहता है छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पर लीकेज फर्स्ट टाइम पे नहीं होगा बाद में जाके होगा, क्योंकि कम सिलिकन देने की वजह से होता है वो चीज़। यहाँ पर देखिए मैं जो सिलिकन दे रहा हूँ कितना ज़्यादा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सिलिकन वेस्ट होगा बट
जो सिलिकॉन वेस्ट होगा, वो सिलिकॉन वेस्ट होने के कारण आप लोग का जो एक्वेरियम है वो परफेक्टली एकदम स्ट्रांगली बनेगा। और अगर आप लोग सिलिकॉन पे कंजूसी करोगे तो भाई आप लोग का टैंक का लीकेज होने कोई नहीं रोक सकता है। अगर फर्स्ट टाइम लीकेज नहीं होगा, एक दो साल पे लीकेज होगा ही होगा। मैं आप लोग को मेरे एक्सपीरियंस से, 17 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, आप लोग खुद ट्राई करके देखो, आप लोग के घर पे आप लोग को वो चीज़ खुद ही पता चल जाएगा। अभी बोलोगे कि भाई मुझे हेडेक लेना नहीं है, अगर आप लोग कोलकाता से बिलोंग करते हो, आप लोग अगर चाहते हो मेरे से एक्वेरियम खरीदने के लिए, आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को एक्वेरियम बना के दे सकता हूँ। वो आप लोग बेझिझक आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आप लोग को एक्वेरियम बाय करना है। बट आउट ऑफ कोलकाता ऑल ओवर इंडिया में अभी तक प्रोवाइड करने का पॉसिबिलिटीज नहीं है, ऑल ओवर कोलकाता मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप लोग अगर चाहते हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखो साइट का जो है, यहाँ पर भी मैं सिलिकॉन दिया हूँ दोनों साइट पे। आप लोग अगर देखना चाहते हो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो कौन कौन से साइट पे सिलिकॉन देना चाहिए, आप लोग को वो चीज़ सभी वीडियो पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर साइड में दे रहा हूँ, जो फ्रंट साइड है और जो बेस है उसमें सिलिकॉन दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को सिंपल जो चीज़ करना है, ग्लास को प्लेस करना है। ग्लास को प्रेस करने के टाइम पे फिर से मेंशन कर रहा हूँ जो थर्ड पॉइंट था, बबल फ्री होना चाहिए। बबल फ्री होगा तो भाई लीकेज होने का चांसेस एकदम 0% हो जाएगा। बबल फ्री ऑलवेज होना चाहिए। बबल्स आप लोग को चेक कर लेना है, आप लोग के आंखों से ही आप लोग को पता चल जाएगा। जब आप लोग देखोगे आंख से, सिंपल आप लोग को जस्ट जब देखोगे तब वहां पर आप लोग के आई से ही पता चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, जब आप लोग एक्वेरियम को बना रहे हो, ध्यान से देखना, फिर से बोल रहा हूँ, एक्वेरियम को जब आप लोग बना रहे हो, जब एक्वेरियम आप लोग का कंप्लीट हो रहा है उसी टाइम पे सिलिकॉन 2-3 दिन बाद मत लगाना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक मैं जो एक्वेरियम बना रहा हूँ 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का जो टैंक मैं बना रहा हूँ, मैं 4 टैंक बनाया हूँ एक ही दिन पे। उसके लिए मेरा एक एक टैंक पे 45 मिनट्स टाइम लगा है, 1 घंटा भी टाइम नहीं लगा है। तो वो जो 45 मिनट्स का जो टाइम सर्कल होता है, जो सिलिकॉन होता है ना, ज़्यादा ड्राई होने मत देना। अगर आप लोग को ऊपर से कुछ लेयर बनाना है, ऊपर से कुछ सिलिकॉन का लेयर देना है दूसरा वाला, तो भाई आप लोग जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर दे देना। 3-4 घंटे बाद जाके सिलिकॉन के ऊपर अगर सिलिकॉन लगाओगे तो सिलिकॉन से सिलिकॉन अटैच नहीं होता है, वहां पर लीकेज आएगा। ये आप लोग को ध्यान देने वाला चीज है। सिलिकॉन 1 घंटे के अंदर अंदर, जो ये फास्ट एकदम ड्राइंग सिलिकॉन होता है, आधा घंटा 15 मिनट पे ही ड्राई हो जाता है, फिर भी आप लोग के सेटिस्फेक्शन के लिए विद इन 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर आप लोग को डबल कोटिंग देना है तो आप लोग वो चीज कर देना है। वो चीज के लिए ज्यादा टाइम मत लेना। यहाँ पर आप लोग देखो जिस तरीके से मैं ग्लास को प्लेस कर रहा हूँ, आप लोग को सिंपल उस तरीके से ही ग्लास को प्लेस करना है। बट ऑलवेज मैं बता रहा हूँ, आप लोग को कोई दोस्त लोग चाहिए जो आप लोग का ग्लास को पकड़ेंगे, हेल्प करेंगे। अकेला करने जाओगे तो रिस्क हो जाएगा, लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये जो ज़्यादा सिलिकॉन हो रहा है ना, आप लोग देख रहे हो ज़्यादा सिलिकॉन हो रहा है, इसको ब्लेड से कट के फेंकना मत भाई। इसको सिंपल जो आप लोग का फिंगर है उससे आप लोग को स्क्रॉल करके इसको ग्लास के दोनों तरफ चिपक देना है। अगर आप लोग इसको ब्लेड से कट करोगे, इसका जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, इसको कट करके फेंकना मत। बहुत जन इसको कट करके फेंक देता है जीरो सिलिकॉन फीस बनाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देखो मेरा टैंक बन चुका है, मैं किस तरीके से बनाया हूँ। जो थिकनेस है सिलिकॉन का आप लोग देख पाओगे, व्हाइट कलर का आप लोग ये देख पाओगे, जो थिकनेस है मोटा थिकनेस वाला सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन इसलिए ज़्यादा दिया हूँ ताकि जो आप लोग का टैंक है सालों साल चले, लीकेज कम हो। और ये आप लोग को मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ, खुद घर पे बना के देखिए, आप लोग को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा दुकानदार से बाय करने के बाद नहीं मिलेगा। दुकानदार से ऑर्डर देके बाय कर सकते हो, बहुत सारा दुकानदार अच्छे तरीके से टैंक बना देता है। बट अगर आप लोग को जीरो सिलिकॉन फिनिश वाला टैंक लेना चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत जन मुझे पूछता है भाई, मैं बोलूँगा भाई मत लो, टैंक ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ब्रेक हो जाएगा, लीकेज आ जाएगा। मे बी रिपेयरिंग आप लोग को फ्री में मिलता है, बट लीकेज आप लोग को गारंटी लेके आएगा। मैं जिस तरीके से यहाँ पर बनाया हूँ, अभी मैं आगे चल के आप लोग को लीकेज टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जिस तरीके से सिलिकॉन मैं, मतलब थोड़ा थिक सिलिकॉन दिया हूँ ताकि आप लोग का जो ग्लास है, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ग्लास ना आप लोग का एक्वेरियम इस सिलिकॉन के ऊपर ही बेस करके खड़ा है। यहाँ पर जो फंडा चल रहा है एक्वेरियम का, जो अभी ट्रेंड चल रहा है जीरो सिलिकॉन का, वो लोग को एक नॉर्मल सा लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। सिलिकॉन जितना कम होगा, ग्लास का ब्रेकेज होने का चांसेस, लीकेज होने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लास सिलिकॉन से ही अटैच होता है। तो चारों तरफ यहाँ पर देखो मेरा जो ग्लास, अभी मैं जो टेपिंग वगैरह किया हूँ, ये टेपिंग आप लोग कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है आप लोग के ऊपर। ये जस्ट
सपोर्ट देने के लिए। ये भी टेपिंग मैं विद इन 1 आवर to 2 आवर के बाद मैं ओपन कर दूंगा, नहीं तो सिलिकन के साथ ये टेपिंग भी चिपक जाता है। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी 2 टैंक बन चुका है, बाकी जो टैंक है मैं ऑलरेडी सेम प्रोसेस पे ही बनाया हूँ। अभी जाके मैं आप लोग को लीकेज टेस्ट वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं फिर से मेंशन करना चाहता हूँ 4th और 5th पॉइंट। 4th पॉइंट होगा ग्लास का जो थिकनेस है उतना दिन सिलिकन को ड्राई करने देना है। अगर 6 mm ग्लास है तो भाई आप लोग 6 दिन ग्लास को थिकनेस के लिए ऊपर ड्राई करने दो। मैं यहाँ पर धूप पे डाला हूँ, धूप पे डाल के मैं ड्राई करने दिया हूँ। ये 5th पॉइंट है, जो अगर आप लोग चाहते हो तो भाई धूप में डाल के ड्राई कर सकते हो, नॉर्मल एयर जहाँ पर फ्लो हो रहा है वहाँ पर रख के भी ड्राई कर सकते हो। बट ये 4th और 5th पॉइंट बहुत वाइटल है लीकेज के लिए। आप लोग अगर अच्छा खासा ग्लास का थिकनेस लिए हो, अच्छा खासा सिलिकन यूज़ किए हो, उसके बाद भी बोल रहे हो भाई मैं मोटा सिलिकन देने के बाद भी मेरा लीकेज हो रहा है, तो कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है? आप लोग का जो सिलिकन आप लोग यूज़ किए हो उसको ड्राई होने में ही आप लोग मतलब टाइम कंजूसी किए हो। जितना मोटा ग्लास होगा, अगर 6 mm ग्लास है 6 दिन का ड्राई पीरियड होगा, अगर 8 mm ग्लास है 8 दिन का, 10 mm है 10 दिन का। तो जितना थिकनेस है ग्लास का जो क्योरिंग टाइम होगा वो उतना होगा। अगर वो आप लोग कंजूसी करोगे 2 दिन में ही, जो एक्वेरियम शॉप वाला करता है वो लोग का ज़्यादा ऑर्डर रहता है, 2 दिन में ही लीक टेस्ट करके छोड़ देता है, बाद में लीकेज आता है क्योंकि बाद में सिलिकन अंदर पे ड्राई नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं यहाँ पर लाइव आप लोग को लीकेज टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, 1% भी कहीं से भी लीकेज मेरा टैंक पे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे गारंटी लेके पता है जितना अच्छे तरीके से मैं सिलिकन डाला हूँ अभी तक मेरा जितना सारा मैं टैंक बनाया हूँ एक पे भी लीकेज नहीं आया है। उसका एक ही रीज़न है भाई, 0 सिलिकन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं 100% सिलिकन यूज़ करता हूँ, 0 सिलिकन नहीं करता हूँ। 0 सिलिकन और 100% में फ़र्क यही है, सिलिकन का जो क्वालिटी होता है टॉप नॉच होता है और सिलिकन का जो थिकनेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप लोग देखो, मैं पानी डाल के आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ और मेरा एकदम फिनिशिंग देखो, एज टू एज मेरा फिनिशिंग है। जो मेरा टैंक मैं बनाया हूँ एकदम एज टू एज। बहुत कोई बोलता है कि भाई एज टू एज बनाना रिस्की हो जाता है, नहीं भाई कुछ भी रिस्की नहीं होता है, आप लोग एज टू एज बना सकते हो। बट आप लोग को जो चीज़ का मैं 0.5 जो पॉइंट्स में बताया हूँ उसको आप लोग को सिंपल ध्यान देना है, और आप लोग के घर पे बैठ के मैं जिस तरीके से यहाँ पर एक्वेरियम का सेटअप बनाया हूँ आप लोग बेझिझक बना सकते हो। बट आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोग का कोई दोस्त लोग या फ्रेंड लोग को रखना है आप लोग को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि अकेला बनाने जाओगे तो लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 4 टैंक कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर जो लास्ट एंड फाइनल 5th पॉइंट है, आप लोग गड़बड़ी कर देते हो कि भाई लीकेज टेस्ट 1 दिन में नहीं रखते, तो 1 घंटे पे लीकेज टेस्ट आप लोग छोड़ देते हो। मैं फुल टैंक फिलअप करके 1 दिन मतलब फुल 1 दिन 24 आवर्स मैं लीकेज टेस्ट करता हूँ, ताकि कन्फर्म हो जाओ कि भाई मेरे टैंक पे कुछ भी लीकेज नहीं है, क्योंकि बाद में अगर लीकेज आ जाता है तो हेडेक मुझे ज़्यादा होगा। तो मुझे कन्फर्म पता है लीकेज नहीं होगा, फिर भी मैं 1 दिन के लिए एकदम कन्फर्म रख देता हूँ मेरा टैंक को लीकेज टेस्ट के लिए। तो इस तरीके से आप लोग घर पे बैठ के आप लोग के बेहतरीन जितना हद तक आप लोग को पॉसिबल होता है डिज़ाइन करना है, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर कोई भी डिज़ाइन का आप लोग टैंक बना सकते हो, और इस तरीके से आप लोग फिनिशिंग दे के एकदम आप लोग का टैंक घर पर रेडीमेड एकदम आप लोग के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो इस वीडियो पे जो जो पॉइंट्स मैं बताया हूँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि भाई सॉलिड एकदम पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट करना, और अगर आप लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को पता ही होगा अभी कौन सा वीडियो आने वाला है, रूम टूर का वीडियो आने वाला है, क्योंकि मेरा ऑल ओवर टैंक सभी रेडी हो चुका है। वीडियो के एंड पे अभी तक अगर आप लोग बने हो तो एंड पे देखो जाके, कुछ सरप्राइज रहेगा। क्या सरप्राइज रहेगा तो आप लोग देखोगे, फिर तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हर एक टैंक का जो मैं सिलिकन आप लोग को दिखा रहा हूँ एकदम प्रोमिनेंटली आप लोग देख पा रहे हो कि सिलिकन लगा हुआ है। जो भी टैंक खरीदने जाओगे सिलिकन नहीं लगा है तो भाई समझ जाना 0 सिलिकन फिनिश है। और ये जो सरप्राइज था मेरे पुराना सब्सक्राइबर के लिए, ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा मैं ऑलरेडी ये रैक का वीडियो पहले ही डाल दिया था, आप लोग घर पे बैठ के रैक कैसे बना सकते हो, तो इस तरीके से रैक बना के आप लोग के घर पे टैंक सेटअप कर सकते हो। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कौन कौन सा फिश इस टैंक पे मैं रखूँ। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, चलो भाई आज के लिए टाटा।